आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है तो सिर्फ आस्था एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर हमारी वेबसाइट हो। अभी जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है BSF ट्रेड्समैन वैकेंसी। जी हाँ, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसके साथ टोटल वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ वो है 2788, यानी कि 2788, जिसमें मेल की है 2651 और फीमेल की है 137। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशंस की तो इसमें आप 10th या 12th पास होने चाहिए। अब बात होती है कि फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन ही होगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो है आपका 15 जनवरी 2022 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने का वो है 28 फरवरी 2022। जी हाँ, आपको 28 फरवरी से पहले फॉर्म फिल कर लेना है और वो भी ऑनलाइन। इसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एज क्राइटेरिया है 18 साल से 23 साल के बच्चों के लिए है सिर्फ ये। एज क्राइटेरिया इसमें जो है वो है 18 साल से 23 साल बच्चों के लिए। और इसके साथ आपका अगर आप SC हैं या ST हैं या तो आपको 5 साल का इसमें आपको छूट मिलने वाली है, और अगर आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि अप्लीकेशन का फीस क्या है जो आप फॉर्म भरने वाले हैं। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये पे करना होगा, और अगर आप SC हैं या ST हैं या फिर PWD या अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, क्या उसके क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रेस जो होगा, जो दौड़ होगा, उसमें जो मेल कैंडिडेट हैं यानी कि लड़कों को 5 किलोमीटर रेस कंप्लीट करना होगा और वो भी 24 मिनट के अंदर। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है और वो भी आपको 8.30 मिनट्स यानी कि 8.5 मिनट के अंदर ही आपको 1.6 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है। इसके साथ साथ जो आपका एग्जाम पैटर्न है, आइए उसके बारे में अब जान लेते हैं। एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं ये आपके 100 क्वेश्चंस का होगा और आपको 100 मार्क्स भी मिलने वाले हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज का, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर भी आपको उससे 25 ही मिलने वाले हैं। सेकंड पेपर आपका रहेगा जो वो है नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, जाहिर सी बात है इसके भी नंबर आपके 25 होंगे। और इसके साथ जो तीसरा पेपर आपका होगा वो होगा एनालिटिकल एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और नंबर भी आपका 25 रहेगा। और जो आपका चौथा पेपर होगा वो होगा बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, जिसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे और नंबर भी 25 रहेगा। एग्जाम को देने का जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का। अगर आप भी BSF ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आस्था एजुकेशन के एक्सपर्ट 24/7 अवेलेबल हैं आपके सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि हम इतना हमें पता है कि हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उनका करियर बनाते हैं। तो आस्था एजुकेशन एंड पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप NDA, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड या आर्मी या किसी भी ऐसे फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी किसी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।